हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की और चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की, और कोशिश करेंगे ये समझने की कि कौन किसे कहां पर डोमिनेट कर सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। तो ये आपकी स्क्रीन पर भारत का नक्शा है। यहां पर अगर हम सिंपली अगर डिवाइड करें इंडिया को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो जो लैंड मास है जो हम एनिमी के साथ शेयर करते हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, वो खाली नॉर्दर्न साइड पर है। तो हमें जो अपने रिसोर्सेज लगाने हैं आर्मी और एयरफोर्स के, वो मैक्सिमम नॉर्दर्न बॉर्डर की साइड पे लगाने हैं। बाकी सदर्न साइड में हमारी नेवी कवर करती है और कुछ एयरफोर्स के एयरबेसेस हैं जो कि नेवी को असिस्ट करते हैं वहाँ पर। तो ये तो बात हो गई इंडिया के लैंडमार्क की। तो बाकी अगर चाइना की ज्योग्राफी की बात करें तो इनका जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो इनके नॉर्थ में जो कंट्रीज़ आती हैं वो है मंगोलिया हो गई, कजाकिस्तान हो गई, रशिया हो गई, और वेस्टर्न साइड में आए तो किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, ईस्ट में जाएँ तो नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, साउथ में आते ही ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, और साउथ चाइना सी को भी यहाँ पर डिस्कस करनी है क्योंकि वहाँ भी डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो यहाँ से अगर इन जनरल बात करें तो जो भारतीय वायुसेना है वो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कंपैरिजन में छोटी है। पर यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि जो चाइना का लैंड मास है वो भी भारत के कंपैरिजन में बड़ा है। तो यहाँ पर उसका नुकसान क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो चाइना का लैंड मास बड़ा होने की वजह से जो उनकी एयरफोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक बॉर्डर से जो दूसरे बॉर्डर का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं उनको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे मूव करने में समय लगता, और वॉर टाइम पे ये समय काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है चाइना को। तो यहाँ पर हम पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है वो डिफरेंट थिएटर कमांड्स में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल। तो हर एक कमांड में डिफरेंट बेसिस हैं, डिफरेंट बेसिस में डिफरेंट स्क्वाड्रन्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ईस्टर्न कमांड से। तो यहाँ पर हम खाली फाइटर्स और बॉम्बर स्क्वाड्रन को ही डिस्कस करेंगे। थ्रू आउट पूरे वीडियो में खाली फाइटर्स और बॉम्बर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है चाइना का, उसमें तीन बेसिस आते हैं। एक है 10th बॉम्बर डिवीजन, दूसरा है फुझोउ बेस, तीसरा है शंघाई बेस। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 10th बॉम्बर डिवीजन को, जहां पर S6 बॉम्बर्स हैं। इसको हम जूम करके भी दिखा देते हैं, आप क्लियरली देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है आपका फुझोउ बेस, इसमें आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा दूर से दिखाया गया है। अभी क्लोज में आप फाइटर स्क्वाड्रन्स को भी देख सकते हैं, कौन से फाइटर ऑपरेट करते हैं वो भी समझ सकते हैं। तो जो लास्ट है ईस्टर्न कमांड का वो है शंघाई बेस, तो आप इस पिक्चर में उसे देख सकते हैं। अब इसको जूम करके थोड़ा क्लोज में देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्क्वाड्रन्स हैं और कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें ऑपरेट होते हैं। अब इसके बाद पूरे ईस्टर्न कमांड को एक साथ जूम आउट करके देख लेते हैं ज्योग्राफिकल आइडिया समझने के लिए। तो जूम आउट करने के बाद जो चीज़ समझ में आती है कि इनका जो ईस्टर्न कमांड है वो ईस्ट चाइना सी साइड से चाइना को बचाने के लिए है जापानीज, अमेरिकन, साउथ कोरियन एग्रेशन से। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो चाइना के लॉजिक के हिसाब से हो रही है, अदरवाइज जो एग्रेसर है वो चाइना खुद ही है। तो अब यहाँ से बात करते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के सदर्न थिएटर कमांड की। यहाँ पर इनके तीन बेसेस हैं, 8th बॉम्बर डिवीजन, कनमिंग बेस, और जो तीसरा है वो है नानिंग बेस। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर है वो 8th बॉम्बर डिवीजन है जूम आउट में। इसको हम जूम इन करते हैं, यहाँ पर स्क्वाड्रन के नाम और जो बॉम्बर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम नानिंग बेस को देख लेते हैं, ये जूम आउट है, जूम इन करके स्क्वाड्रन्स और एयरक्राफ्ट के नाम भी देख लेते हैं। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इन लोगों ने अपना Su-35 लगा रखा है 6th एयर ब्रिगेड में। तो अब यहाँ से हम मूव करते हैं दूसरे बेस पे। तो जो तीसरा बेस है वो है कनमिंग बेस, जो कि इंडियन बॉर्डर के ज़्यादा क्लोज है। तो
तो अब इसको क्लोज में जाकर देख लेते हैं कौन कौन से स्क्वाड्रन्स हैं और कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो इनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो या तो J7 है जो कि MiG-21 का एक कॉपीड वर्जन है, या फिर इनके J-10 फाइटर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम जूम आउट करके पूरे सदर्न थिएटर कमांड को देखते हैं तो जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि इनका जो सदर्न एयर कमांड है वो ताइवान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, साउथ चाइना सी में एग्रेशन के खिलाफ और इवन इंडिया के खिलाफ चाइना को बचाने के लिए है। तो यहाँ से चलते हैं हम इनके वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ। यहाँ पर भी इनके 3 बेसेस हैं जिसमें से 2 का नाम एक ही है, लांजो बेस, और एक है उरुमिकी बेस। जो लांजो बेस है एक, उसको हम मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर इनकी 97th, 98th, 99th और ऊपर जाने पर 16th एयर ब्रिगेड्स हैं। तो जो इनका 97th, 98th और 99th एयर ब्रिगेड हैं वो इंडिया के काफ़ी क्लोज हैं, जहाँ पर इनके J7 जो कि काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं और J16 एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं पर जो इनका तीसरा एयरबेस है यानी कि 16th एयर ब्रिगेड, उसमें J11 और Su-27 SK फाइटर्स हैं। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं उरुमिकी बेस पे। तो जो इनका उरुमिकी बेस है वो काफ़ी छोटा बेस है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं खाली एक ही डॉट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इनका एक ही स्क्वाड्रन है। तो अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर इनकी 18th एयर ब्रिगेड है जिसमें J7 और उसके वेरियंट्स हैं, ये अगेन पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉन्जो बेस पे। तो जो दूसरा लॉन्जो बेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो पूरी तरीके से नॉर्दर्न साइड पर है और वहाँ पर कई सारे स्क्वाड्रन्स हैं जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैप को हम दूसरी साइड से देखें तो समझ में आता है कि ये जो बेस है वो इतना ऊपर क्यों है। तो ये जो बेस है वो चाइना को रशियन बॉर्डर और कजाक बॉर्डर से बचाने के लिए है। तो वहाँ पर मंगोलिया भी एग्जिस्ट करता है, पर रशिया और कजाकिस्तान के कंपैरिजन में जो मंगोलिया के मिलिट्री है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अब इसको जूम इन करके फाइटर्स और इनके स्क्वाड्रन्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्क्वाड्रन्स हैं वो J7 को यूज़ करते हैं, खाली एक 111 एयर ब्रिगेड है जो कि J11 और Su-27 को यूज़ करती है। तो अब आपकी स्क्रीन पे ये पूरा चाइना का वेस्टर्न एयर कमांड है। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं नॉर्दर्न थिएटर कमांड की, जो कि भारत के बॉर्डर से काफ़ी दूर है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें भी 3 बेसेस हैं, एक है जिनान बेस, डालियान बेस और तीसरा है 16th स्पेशलाइज्ड डिवीजन। तो इसमें जो सबसे बड़ा बेस है वो है डालियान बेस। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये पूरा नॉर्दर्न कमांड है। तो अभी इसको जूम इन करके क्लोज करके देख लेते हैं, इसमें कई सारे स्क्वाड्रन्स हैं और मैक्सिमम J7 फाइटर ही हैं, J10, J11 भी है यहाँ पर। तो दूर से देखने पर जो चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि जो इनका नॉर्दर्न थिएटर कमांड है वो जापान को, रशिया को और साउथ कोरिया को कंटेन करने के लिए बनाया हुआ है और ये इनकी सबसे बड़ी डिवीजन नज़र आती है। तो फाइनली आता है सेंट्रल कमांड। तो सेंट्रल कमांड है वो भी भारत के जो बॉर्डर है उससे काफ़ी दूर है, तो इसको भी हम एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। इसमें 3 बेसेस हैं, एक है वुहान बेस, डटोंग बेस और 36th बॉम्बर डिवीजन। तो आप मैप में देख सकते हैं इन तीनों बेसेस को, ये नॉर्दर्न कमांड के जो बेसेस हैं उनके काफ़ी क्लोज हैं। तो यहाँ पर हम जूम इन करके देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके स्क्वाड्रन्स हैं और कौन कौन से फाइटर्स हैं। तो जूम करने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर इन्होंने अपने सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये एयरक्राफ्ट्स भी जो हैं वो रशिया को, साउथ कोरिया को, जापान को कंटेन करने के माइंडसेट के साथ बनाए गए हैं। तो अब अगर हम इनके सारे थिएटर कमांड्स को जूम आउट करके एक साथ देखें तो हमें नज़र आता है कि इनके बहुत कम एयर बेसिस भारत के बॉर्डर के पास हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि होंगे भी नहीं। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चाइना है उसके डिस्प्यूट्स जापान, ताइवान, वियतनाम और साउथ चाइना सी में चल रहे हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में वो अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। तो एयरक्राफ्ट्स ज़्यादा होने के बाद भी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ भारत के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो वो अप्रॉक्स में अपने 50% एयरक्राफ्ट ही यूज़ कर सकता है।
और वहीं पर अगर आप भारत का नक्शा देखें तो हमारे कंट्री का साइज छोटा है, जिसकी वजह से जो बेसिस हैं वो बॉर्डर एरिया पे बहुत जल्दी डिप्लॉय हो सकते हैं और काफ़ी स्टैक्ड अप हैं और पास में हैं, जो कि कवर करते हैं चाइना को। तो भारत अपनी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूज़ कर सकता है, अगर अप्रॉक्सीमेट में कहें तो 70% तो यूज़ ही कर सकता है। और वहीं पर अगर प्रेजेंट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर सेल कर रहे हैं नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में चाइना के साउथ चाइना सी में एग्रेशन के खिलाफ। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है 270 फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो चाइना गलती से भी साउथ चाइना सी के पास अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। फाइनली जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है, उनके जो डिफरेंट स्क्वाड्रंस हैं, सारी एयर कमांड को मिलाकर वो मैक्सिमम J7 फाइटर्स को और उसके वेरिएंट्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इतने सारे स्क्वाड्रंस जो हैं वो J7 को यूज़ करते हैं, और जो J7 है वो MiG-21 का ही एक चाइनीज़ वेरिएंट है। तो यहाँ तक रही जियोग्राफी की बात। एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो चाइना के पास एक Su-35 अकेला ऐसा फाइटर है जो भारत के Su-30 MKI से बेटर है। अदरवाइज जो J-20 है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। बाकी चाइनीज J-10 और उनके वेरिएंट्स की बात करें तो वो भारत के Mirage-2000 अपग्रेड और MiG-29 अपग्रेड के कंपेरेबल एयरक्राफ्ट है। तो लास्टली सब कुछ पायलट पर डिपेंड करता है, और अगर पायलट की बात करें तो जो भारत के पायलट्स हैं वो ज़्यादा बेटर ट्रेंड हैं चाइनीज़ पायलट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पायलट्स एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहते हैं फॉरेन की एयरफोर्सेस के साथ, और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं उनको वॉर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट हैं। तो हमारे पायलट्स वेल ट्रेंड हैं और ज़्यादा बेटर हैं चाइनीज़ पायलट से। तो जो डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स बड़ी है भारतीय वायुसेना से, लेकिन जो स्लाइट एज है वो भारतीय वायुसेना को है। तो इसी कंक्लूजन में इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।